दोस्तों अगर आप एक जीबी व्हाट्सएप यूजर हैं, आपको यहाँ पर इस प्रकार की बार बार प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आप अपने जीबी व्हाट्सएप को यहाँ पर ओपन करते हैं और बार बार आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सही वीडियो पर आ चुके हैं। आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, कहीं पर स्किप नहीं करना है, और जैसे मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, एक बार आप फिर से अपने जीबी व्हाट्सएप को यूज कर पाएंगे। बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर आपको जीबी व्हाट्सएप यहाँ पर शो कर रहा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जीबी व्हाट्सएप शो कर रहा है, और जैसे मैं यहाँ पर टच करता हूँ तो यहाँ पर इस प्रकार की यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको यहाँ पर इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, या पर आपके यहाँ पर स्क्रीन पर लिख करके आ जाता है यू नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप, अगर ये भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। बस आपको मैं जैसा बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर हमारा दो स्क्रीन दिख रहा होगा, एक यहाँ पर दो मोबाइल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जीबी व्हाट्सएप दिख रहा है, और दूसरा यहाँ पर मोबाइल आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर व्हाट्सएप सिर्फ लिखा हुआ दिख रहा है। आपको यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जीबी व्हाट्सएप आप यूज कर पाएं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जीबी व्हाट्सएप, और यहाँ पर ये ऑफिशियल व्हाट्सएप है, आपको अपने फैमिली का किसी का भी फोन ले लेना है दो मिनट के लिए, और दो मिनट के लेने के बाद आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाना है। आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है, देखिए दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है व्हाट्सएप। जैसा आप यहाँ पर व्हाट्सएप सर्च करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा व्हाट्सएप मैसेंजर, आपको यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो व्हाट्सएप है, मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ, तो आपको पर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहां पर करना क्या है, आपको यहां पर इस वाले व्हाट्सएप पर आपका जो अकाउंट बना हुआ था जीबी व्हाट्सएप में, आप जिस नंबर से अकाउंट बनाए हुए थे जीबी व्हाट्सएप में, उसी नंबर से आपको यहां पर ऑफिशियल व्हाट्सएप में अकाउंट बना लेना है। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर ओपन करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर अकाउंट इस प्रकार से बनके तैयार हो चुका है। आपका भी अकाउंट इस प्रकार से बनके तैयार हो चुका होगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ये स्टेप आपको मैं नहीं सिखाया हूँ। आप इस पर आसानी से अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है, उसी नंबर से बनाइएगा जिस नंबर से आपका जीबी व्हाट्सएप बना हुआ था। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है, वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब आपको यहाँ पर अपने जीबी व्हाट्सएप पर आना है, अगर आप यहाँ पर जीबी व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं तो आपको अपने जीबी व्हाट्सएप पर आना है, इस प्रकार से इसको ओपन करना है। और जैसे आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे के साइड में आपको यहाँ पर लिख करके आ जाएगा एग्री एंड कंटिन्यू, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर ये आ जाएगा। आने के बाद यहाँ ऊपर के साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक थ्री डॉट लाइन दिख रही होगी, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक लिंक का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिंक का ऑप्शन आ जाता है, आपको उस पर क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक क्यू आर कोड इस प्रकार से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर दूसरे वाले मोबाइल पर आना है, दूसरे वाले मोबाइल पर आने के बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में थ्री डॉट लाइन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर क्लिक करना है, और जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर जस्ट आप यहां पर बगल में देख सकते हैं आपको यहां पर लिख करके आ जाता है स्कैन कोड, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहां पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से यहां पर स्कैन करने के लिए बोलेगा, आप यहां पर इस प्रकार से इसको स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहां पर ये आ जाएगा। आने के बाद आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना दोस्तों, आपको यहां पर कंटिन्यू पर करना है। और जैसे आप यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपसे यहां पर एक बार फिर से बोला जाएगा लिंक आर डिवाइस, लिंक आर डिवाइस पर आपको यहां पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद एक बार फिर से आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहां पर ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर ये लोडिंग हो रहा है, योर चैट आपका जितना भी चैट होगा आपका यहां पर आ जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं कुछ ही मिनट में आपका यहां पर ये सारी चीजें आप व्हाट्सएप को यूज कर पाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है एंड्रॉइड 12, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर लिख करके एंड्रॉइड 12, या फिर हो सकता है आपको यहाँ पर 11 लिख करके आ जाए, तो यहाँ पर कुछ भी आ जा सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर जो जी बी व्हाट्सएप है आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। आप यहाँ पर आप किसी से भी चैटिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज कर सकते हैं, किसी को भी आप यहाँ पर मैसेज करेंगे मैसेज भी सेंड होगा, सब कुछ होगा, आप किसी से भी बातें कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप यहां पर कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हमें ये बताइए कि हम जो दूसरे वाले मोबाइल में हम ये वाला जो व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लिए हैं उसके मोबाइल में हम क्या करेंगे, तो आपको मैं बता देता हूं ये भी मेरे पास एक तरीका है, आप इसको चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको करना क्या है, आप यहां पर इस वाले व्हाट्सएप को जो है आप यहां पर इसको अनइंस्टॉल भी करा देंगे, इस प्रकार से अनइंस्टॉल हम कर देते हैं। अनइंस्टॉल करने के बाद भी आप इस वाले व्हाट्सएप को यूज कर पाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये वाला व्हाट्सएप आपका अब भी चालू हो, यहां पर किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी चैटिंग करें मैसेज करें यहां पर मैसेज सारे के सारे सेंड भी होंगे, आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने यहां पर इस वाले व्हाट्सएप से यहां पर देख सकते हैं इस वाले मोबाइल से मैंने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल भी करा दिया है, उसके बावजूद आप यहां पर देख सकते हैं ये हमारा व्हाट्सएप बना हुआ है जो जीबी व्हाट्सएप यहां पर चल रहा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं आपको यहां पर बार बार करके भी दिखा दे रहा हूं, आप यहां पर देख सकते हैं आप इसको चला सकते हैं, मैसेज भी आपका सेंड होगा, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दोस्तों आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ट्रिक लेकर के आता हूं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर,
या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। मिलते किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद।